Yes, good afternoon, students. So today, first of all, we will discuss our previous lecture topic. Okay, so then we will discuss our next topics. So students, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि what is histogram and there are three important forms of frequency diagram. First is histogram, okay. Second, polygon and third, ozone. So यहाँ पर हमने जो है पिछले अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हिस्टोग्राम की स्टडी हम कर चुके थे. पॉलीगन हमने स्टार्ट किया हुआ था. ओके, तो आज हम जो है पहले एक बार हिस्टोग्राम को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम पॉलीगन एंड ओजाइव जो है वो हम कब बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स, हमने दे देखा कि व्हाट इज हिस्टोग्राम. ओके, देन वी डिस्कस कि इन हाउ टू मेक द हिस्टोग्राम into situations when the class intervals are equal and when the class intervals are not equal. Okay, ये दो conditions हमने देखी थी. Class interval जब हमारे पास equal होती हैं और जब हमारे पास unequal class intervals होती हैं तब हम कैसे histogram बनाते हैं. Okay, so students जो class interval वाली equal class interval में जब एक histogram बनाए जाते हैं तो it is very simple. बहुत सिंपल है ये. इसमें आपको किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट करने की, किसी तरह का कोई काम करने की, एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं होती है. तो इसके अंदर हमने क्या लिया था, हमने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमारे पास मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो गिवन थे. ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं मार्क्स हमारे क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 40. ठीक है, तो आप देख लो 10, 10 का डिफरेंस है तो इक्वल क्लास इंटरवल है. ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन 5, 10, 15, 20, 12, 8 एंड 4. ओके, सो हमने हिस्टोग्राम बनाया तो उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं. जब भी हम कोई डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, ये हेडिंग सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं. अगर आप हेडिंग नहीं बनाते हो, जो भी ये प्रोसीजर है, जैसे हेडिंग हो गई यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर आपके पास यहाँ पर जो भी आपने लेना है, अगर आपने वो मेंशन नहीं किया, ऐसे ही ओ वाई एक्सिस के ऊपर आपने मेंशन नहीं किया. ओके, आपने यहाँ पर वाई नहीं लिखा, आपने यहाँ पर एक्स नहीं लिखा. ओके, आपने यहाँ पर ओ नहीं लिखा. तो ये जो है ना, ये चीजें कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जब डायग्राम्स बनाते हैं तो इन चीजों की तरफ को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही डायग्राम बना के आते हैं. तो अजय, आपके पास अगर आप ये देखिए मार्क्स एंड अगर आप मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखते हो तो जो आप डायग्राम अंदर बना रहे हो वो किस चीज को शो कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं शो कर रहा. हमें क्या पता वो क्या बन रहा है. तो वो आपके पास सीधा क्या होगा, क्रॉस लगेगा. तो आपके पास अगर ये चीजें जो है ना, इन सब के नंबर करते हैं और अगर आपने ये चीजें लिखी नहीं है तो आपका क्रॉस ही है उस न्यूमेरिकल के ऊपर. ये होती है उसको हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं. ओके, सो जब क्लास इंटरवल होता है तब तो हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जब हमने क्या बनाने हैं, हिस्टोग्राम बनाने हैं और यहाँ पर जो विड्थ है इनकी सेम है. ठीक है, विड्थ यहाँ पर सेम आएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल है. बट इफ देयर इज अनइक्वल क्लास इंटरवल, लेकिन अगर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है देन हाउ टू मेक द हिस्टोग्राम इन अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज. सो स्टूडेंट्स, इसमें इसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी. ओके, तो हमें अपने एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना होगा, हमें अपने जो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी बनानी होगी तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. तो हमने की थी यहाँ पर यस एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास. इसके लिए हमने ये फॉर्मूला हो गया था क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल. क्योंकि जो आपके पास क्या था, क्लास इंटरवल गिवन है अनइक्वल क्लास इंटरवल में, हमने उसमें से जो सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल होगा वो हमें पहले उसमें से फाइंड आउट करना है. देन हमें फॉर्मूले में लगाना है जो भी हमारे पास कंसर्न क्लास होगी उसको हमें डिवाइड करना है लोवेस्ट क्लास इंटरवल से. ओके, हर एक कंसर्न क्लास को हमें लोवेस्ट क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है तो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर्स आ जाते हैं. जैसे वी टेक एन एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल पीछे भी लिया था आपका
यहाँ पर एग्जांपल में आप देख रहे थे कि जैसे यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस था, आगे आपके पास 10 डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया, 20 का, तो सबसे लोवेस्ट, ये लोवेस्ट क्लास इंटरवल लेंगे ना, तो लोवेस्ट में कौन सा आएगा? यहाँ पर 5 का डिफरेंस आया ना, यहाँ 10 है, यहाँ 20, सो सबसे लोवेस्ट हमारा 5 हो गया. ओके, तो हमने किया था जैसे कि हमारी क्या हो गई यहाँ पर, हम देखे ये हमारी कंसर्न क्लास हो गई. ओके, हम फॉर्मूला लगा रहे ना, कंसर्न क्लास होगी और उसमें से डिवाइड कर दिया लोवेस्ट क्लास इंटरवल. ओके, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू जो भी आएगा. ऐसे ही हमने सबके साथ ये किया, कंसर्न क्लास के साथ लोवेस्ट क्लास को डिवाइड करके हमने अपने क्या बना लिए, हमने अपने एडजस्टमेंट फैक्टर बनाए, ये हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर बन गए. ओके, देन हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है. सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आया उसका, उसके साथ हमने डिवाइड करना है. तो ये जो हमारे पास आ जाती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई और हमने इसी को शो करना होता है अपने हिस्टोग्राम में. ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हेडिंग. Okay, then we show the weekly wages on OX axis and number of workers on OY axis. Okay, और आपने ये देखा कि पीछे जो भी मैंने बताया कि frequency density जो आपने निकाली है, वही values आपने यहाँ पे mention करनी है. Okay, और लेकिन class interval, जो आपका class interval है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो 5 के difference वाला है, 10 के difference वाला है, या 20 के difference वाला है, आपने class interval same रखना है, उसमें कोई change नहीं करना है. ओके, और आपका स्केल इक्वल रहता है, वो तो आपको पता है, यहाँ स्केल इक्वल लेना, ये नहीं है कि आपका जैसा क्लास इंटरवल आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख दे, बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं. ओके, तो हमने 5 5 के लिए 5 5 का ही डिफरेंस लेंगे हम, लेकिन हमारे जो क्लास इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हमारे वेट बनती है, यानी कि इक्वल क्लास इंटरवल में तो आपकी वेट जो होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है. ठीक है, लेकिन आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल में जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है. जैसे ही क्लास इंटरवल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो भी, उसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं. ये मैंने इसलिए आपको रिपीट किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला जो न्यूमेरिकल अनइक्वल क्लास इंटरवल का जब भी एग्जाम आता है तो स्टूडेंट्स हमेशा, चाहे जितना मर्जी से करा लिया जाए, फिर भी इसे रोंग ही करके आते हैं वो, क्योंकि ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते पेपर में कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है, पहले हमें एडजस्टमेंट करनी है, देन हमने अनइक्वल क्लास इंटरवल में हिस्टोग्राम बनाना है. ये बिल्कुल भी फोकस नहीं होता स्टूडेंट्स का इस चीज के ऊपर. तो आपको इसलिए ये आज रिपीट हो गया आपके पास, और अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे उसको, एडजस्ट करोगे, देन आप अपने हिस्टोग्राम से बनाओगे. ओके, सो नेक्स्ट हमने स्टडी किया था, वी सॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ओके, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने देखा था कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या किया था, जो हमारे हिस्टोग्राम बनते हैं उन हिस्टोग्राम के जो टॉप, जितने भी हिस्टोग्राम बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे, उनके टॉप पे से मिड पॉइंट लेकर उन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना था. ओके, तो वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो जो भी हमारे पास लाइन आएगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की लाइन थी. ओके, सो जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हमने ये किया था, देखो यहाँ पर भी पहले हेडिंग है ना, उसके बाद हम लोगों ने पॉलीगन बनाया, जो हमने हिस्टोग्राम बनाई उन हिस्टोग्राम के हमने मिड पॉइंट, बिल्कुल टॉप के मिड पॉइंट लिए यहाँ पर सबके सब. ठीक है, और फिर हमने इनको क्या है, आपस में मिला दिया स्केल के साथ. ओके, यहाँ पर स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाना है आपको, स्केल के साथ सीधी लाइन बनानी है, तो ये हमारे पास पॉलीगन होगा. और ये भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यहाँ पर 0 to 10 के बीच में 5 लिया है ना, तो नेक्स्ट 0 to आगे -10 हो जाएगा ना, यहाँ पर -10 होगा, तो -10 में बीच का क्या होगा, -5, तो आपने ये वाला -5 पर लाके मिलाना है, और आपको इस वाली पॉलीगन को आपको नीचे नहीं लेके जाना, वो एक्स एक्सिस से कहीं नीचे की तरफ ले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो नहीं लेके जाना है आपने यहीं पर -5 के ऊपर आपने यहाँ मिलाना है. और ऐसे ही यहाँ पर 60 to 70 में 65 पर था, तो आपने 70 to 80 में 75 पर आपको ये मिलाना है. ओके, तो ये हम कर चुके थे कि हमने जब बनाए थे पॉलीगन विद हिस्टोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स वी कैन मेक द पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. अब हमने ये स्टडी करना था, सो नाउ वी विल स्टडी हाउ टू मेक द पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम.
So students, so first of all we take an example and present the following data in the form of frequency polygon. So marks and student number of students are given. So student, to construct a frequency polygon without first constructing a histogram, one should first mark midpoint of the class intervals on the OX axis and frequencies are then marked corresponding to those midpoints. यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको midpoint जो है वो यहाँ पर class interval में से पहले आप mid value को calculate करोगे. First of all you calculate the mid values of the class interval. ओके, सो हमारे पास जो ये आपके पास मार्क्स गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास, इसकी मिड वैल्यू आपको पता है, मैंने बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 20 बाय 2 इट मींस 15, 20 प्लस 30 बाय 2 25. ओके, तो आपके पास इस तरीके से मिड वैल्यूज आ गई है 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन. ओके, देन सिंपल है, बस आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पॉलीगन बनाने में. आपको क्या करना है, आपको जस्ट ओ एक्स एक्सिस पर वी शो द मिड वैल्यूज ऑन द ओ एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ओ वाई एक्सिस. ओके, और सिंपल आपने मिड वैल्यूज जो है, सॉरी क्लास, यस, सो मिड वैल्यूज के ऊपर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, जो 10-15 दिए हुए हैं, उस पर मार्क लगाने हैं. देखिए, यस, हैव अ लुक. सो इसमें ये देखिए आप, जैसे हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमारे पास 15 आया था ना पहला क्लास इंटरवल, 15 आया था हमारे पास मिड वैल्यू, सॉरी हमारे पास 15 था. तो अब ये देखें कि ये नहीं है कि आपको जीरो के बाद सीधा आप 15 लिखोगे और 15 से फिर 25, नो. अगर आप 0 to 15, 15 to 25 फिर क्या होगा, आपका ये गैप तो 15 का हो जाएगा, आगे के गैप आपके 10-10 के हो जाएंगे. तो इसीलिए आपने ऐसे नहीं करना है, आप मान लो जीरो, इसका आपके पास 10 टू 20 का 15 था, तो 0 टू 10 का मिड वैल्यू कितनी होगी, 5. तो आप, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 से लिया डिफरेंस. ओके, क्योंकि हमें मिलाना भी तो होता है ना पॉलीगन नीचे, तो 5 पे ही मिलना था वो, इसीलिए हमने पहले ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5 ले लिया और यहाँ से हम 5 पर मिला देंगे. ऐसे ही हमने 65 तक, हमारे पास न्यूमेरिकल में 65 तक मिड वैल्यूज आई थी, तो नेक्स्ट मिड वैल्यू क्या आएगी, 75, तो हमने 75 को यहाँ पर मेंशन कर लिया. ओके, तो 15 पर हमने वैल्यूज लगा दी, जो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी वो हमने यहाँ पर वैल्यूज पर पॉइंट लगा दिए. ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में एक स्केल से मिला देते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विदाउट हिस्टोग्राम पॉलीगन. ओके, सो बाय दिस प्रोसेस वी मेक फैंसी का, सो इट इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ पॉलीगन. ओके, एंड अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व विच इज प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द टॉप्स ऑफ द हिस्टोग्राम बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व. So, and not by a straight line. So, student, इसके अंदर और कुछ नहीं है फ्रीक्वेंसी कर्व में. आपने क्या करना है, जो आपने पॉलीगन में किया था, पॉलीगन में आपने जैसे हिस्टोग्राम के टॉप में के मिड पॉइंट लिए थे, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर चलेगा. सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि आपने वहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपने स्केल के साथ उन पॉइंट्स को मिलाया था, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी कर्व में हम लोग फ्री हैंड उन कर्व को मिलाएंगे. और हमने वहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स, साथ ही क्यों बनाएंगे, ड्रॉइंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व वी शुड एलिमिनेट एंगुलर पॉलीगन, एंगल नहीं बनाएंगे. मतलब क्योंकि हम लोग जब स्केल से बनाते हैं, तो अगर हम इधर उधर करें तो एक एंगल बन जाता है ना, कहीं भी छोटा सा किंक आ जाए तो वहां किंक पर एंगल बन जाता है. तो हमने इस तरीके से कर्व बनाना है कि हमारा कोई भी एंगल ना बने. हमने यहाँ पर टोटल एंगल को हमने पूरी तरीके से यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना चाहिए. ओके, तो वो हम फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं. So students, what is the basic difference between the frequency polygon and a frequency curve? So both frequency polygon and frequency curve are drawn by joining the midpoint of all the tops of the histogram. Okay, but in the case of frequency polygon, the points are drawn using a foot rule to make a straight line, and whereas in case of frequency curve, the points are drawn using a freehand. ये just एक difference है, और कोई difference नहीं है इनके लिए, इनके बीच में. Okay, so now we take an example, make a frequency curve of a following data. So A is in years and number of students are given. Okay,
So now make the frequency curve. So first of all, we write the heading number of residents corresponding to different age groups. Okay. So now we show the age on OX axis in years and number of residents on OY axis. Okay. So same वही कि आपने क्या करना है. हिस्टोग्राम बना लिए पहले आपने 0 to 10 पे 150 था तो हमने डिफरेंस ले लिया 200 का डिफरेंस लिया है हमने ओवर एक्सिस के ऊपर तो 150 पे बना लिया 300 हो गया 500 हो गया तो ये सेम आपने मतलब गैप जो है दोनों किसी के बीच में भी गैप नहीं छोड़ना है हिस्टोग्राम में ये मैं आपको बता चुकी हूँ अदरवाइज गैप छूट गए तो इट मीन्स वो बार डायग्राम बन गए वो आपके हिस्टोग्राम नहीं है वो आपके बार डायग्राम है. ओके तो इस तरीके से आपने ये हिस्टोग्राम बना लिए है और उसके बाद आप क्या करोगे इनके मिड पॉइंट लोगे बिल्कुल जो भी टॉप पे से बिल्कुल मिड पॉइंट लेते हैं हम लोग जैसे इन्होंने लिया है यहाँ पर मिड पॉइंट सबके लिए और उसके बाद आप देख रहे हो कि इन्होंने जो कर्व यहाँ पर बनाया है फ्री हैंड कर्व बनाया और फ्री हैंड कर्व बनाने में कहीं भी एंगल नहीं होना चाहिए. देखिए यहाँ से अगर आप बनाते हैं पॉलीगन में आप सीधा ऐसे बनाते हैं यहाँ से आप जैसे यहाँ से आपके पास ऐसे आता और यहाँ से फिर सीधा यहाँ जाता तो यहाँ पर क्या बन जाता है एंगल बन जाता है. लेकिन इन्होंने क्या करा यहाँ से हम लोग ऐसे घुमा के लेके गए. देखिए यहाँ से ऐसे घुमा के लाए यहाँ से घुमा के लेके गए तो एंगल नहीं बनना है बस ये आपने देखना है. इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो सीधा लेके जाते तो एंगल बन सकता था लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमाया ठीक है ताकि एंगल ना बने और यहाँ से भी इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमा कर लेकर गए हैं. ओके तो इस तरीके से आपने फ्रिक्वेंसी कर्व जो है वो बनाने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ओजाइव और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व. सो स्टूडेंट वैसे तो हम लोग इसको पहले जो है अपने शनबीडियन वाले मीडियन जब हमने किया था तो उसमें हम ओजाइव जो है हमने बनाए थे तो इस चैप्टर में मेन आपको पहले क्योंकि हमने पहले वो चैप्टर कर लिया था ठीक है अदरवाइज आपको इस चैप्टर में पहले ओजाइव बनाना सिखाया जाता है देन फिर उसके बाद जो है इसके बाद जब आपके पास मीडियन वाला चैप्टर आता है तो हम उसमें ओजाइव में मीडियन कैलकुलेट करते हैं. तो ये ओजाइव जैसे इसमें चैप्टर में है ओजाइव और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व. अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो ओजाइव होते हैं वही हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व होते हैं. इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व. ओके और आप सेकंड इज मोर देन मैटर. ओके एंड यू नो दैट व्हाट इज लेस देन मैटर एंड मोर देन मैटर. ओके so what is the basic difference between less than and more than ozai. so in less than ozai frequencies are added started from upper limit of the first class interval of the frequency distribution. yes students jo aapke paas less than ozai hote hain usme kya hota hai aapke paas less than mein less than 5 less than 10 okay aise hi hota hai na less than 5 less than 10 less than less than 15 less than 20. so इसमें आपके पास जो आप अपर लिमिट होती है ना क्लास इंटरवल की वहीं से एडिंग स्टार्ट करते हैं ना फ्रिक्वेंसीज एड की जाती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट क्योंकि 5 लेस देन 5 का मतलब 5 से ऊपर से 5 के पहले वाली सारी फ्रिक्वेंसी हमने लेनी है ना तो अपर लिमिट से ही हम लोग अपनी फ्रिक्वेंसीज को स्टार्ट करते हैं. ओके फर्स्ट क्लास इंटरवल में एंड उसके बाद और मोर देन में क्या होता है इनकेस ऑफ मोर देन ओजाई फ्रिक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हमारे पास मोर देन में क्या होता है मोर देन 0 मोर देन 10 मोर देन 20 तो लोअर लिमिट से स्टार्ट हो रहा है ना तो वहां पे लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो अकॉर्डिंगली व्हाइल इन केस ऑफ द लेस देन ओजाइव द कॉम्युलेटिव टोटल एड्स टू इंक्रीज. जब हम लेस देन करते हैं के केस में जो ओजाइव है लेस देन ओजाइव उसमें कॉम्युलेटिव टोटल जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं लेकिन इन केस ऑफ मोर देन ओजाइव द कॉम्युलेटिव टोटल टेंड्स टू डिक्रीज. वहां पर वो डिक्रीज होता है क्योंकि मोर देन जीरो का मतलब हमारे पास पहले ही सारा हमने टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन होती है फिर अगर हम मोर देन 10 करते हैं तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं अपनी 0 to 10 वाली फ्रिक्वेंसी. ओके तो यहाँ पे डिक्रीज होगा ये. सो स्टूडेंट्स यस वी टेक एन एग्जाम्पल. सो यहाँ पर हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये में हमारे पास क्लास इंटरवल है सबसे पहले तो हम इसको क्या बनाएंगे लेस देन में बना लिया हमने एंड मोर देन में बना लिया एंड यू नो दैट हाउ टू मेक दिस. सो लेस देन 5 लेस देन 10 लेस देन 15 लेस देन 20 लेस देन 25 ऐसे हमने बना लिया और हमें पता है कि लेस देन में हम टोटल करते जाते हैं फ्रिक्वेंसी का. ओके तो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. सो 4 4 प्लस 6
टेन, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी, तो इस तरीके से हमने ऐड करते गए और लास्ट में लेस देन फोर्टी में हमारे पास टोटल आ गए हंड्रेड। इसी तरीके से मोर देन में बनाए हमने, मोर देन जीरो, मोर देन फाइव, मोर देन टेन, मोर देन फिफ्टी। अब मोर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, यानी सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होएगी मोर देन जीरो में, तो जितनी होगी सारी ऐड होकर आएगी, तो ये सारा ऐड होकर हमारे पास कितना है हंड्रेड, तो हमने बना लिख दिया यहाँ पर हंड्रेड। अब मोर देन फाइव का मतलब क्या हुआ, जीरो टू फाइव वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी इसमें, तो हमने हंड्रेड में से क्या माइनस कर दिया फोर। ओके, तो यहाँ पर आ गया 96। 96 में अब नेक्स्ट क्या माइनस करेंगे, क्योंकि मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ, 10 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी सारी हमने माइनस करनी है, तो 0 टू 5 और 5 टू 10 की फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, तो 96 96 जो आया है उसमें से ये वाली फ्रीक्वेंसी तो हमारी माइनस हो चुकी है 0 टू 5 वाली, 5 टू 10 वाली माइनस करनी है, तो 6 माइनस करेंगे, तो हमने 6 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 90। उसके बाद ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे, इसी वजह से हम माइनस करते हैं, मैंने आपको रीजन बता दिया है, तो नेक्स्ट हमारे पास इससे क्या आएगा और तब हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, ये जीरो। ओके, और बच्चे आपने ये देखना है मोर देन 40 तक आप लोगे, मोर देन 40 में आपके पास हमेशा क्या आएगा, जीरो। ओके, अगर आप पे जीरो नहीं आ रहा, इट मींस आपके पास कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती की है, ये याद रखना आप लोग। तो नाउ मेक द मोर लेस देन हो जाए, तो अब आप इसमें लेस देन हो जाए हम बनाएं, तो आपको पता है लेस देन हो जाए कैसे बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो द मार्क्स इन ओ एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ओ वाई एक्सिस। ओके, तो लेस देन में फाइव टेन फिफ्टीन यही लेंगे आप नीचे, फाइव टेन फिफ्टीन से फोर्टी तक। ओके, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर हंड्रेड, क्योंकि हंड्रेड तक है तो हंड्रेड तक लेके ना यहाँ पर आप एक बॉक्स भी बना सकते हो ऐसे, यहाँ तक ना जोड़ के सीधा स्केल सीधा आएगा स्केल के साथ, और यहाँ पर 40 के साथ मिला दो, फिर आप इस बॉक्स के अंदर आप अपने ओजाई बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 5 पर आपका 4 हो गया, 5 पर 4, 10 पे 10, 15 पे 20, 20 पे 30, ऐसे अपने पॉइंट ले लिए और इनको आपने फिर आपस में मिला देना है, तो जब आप मिलाओगे तो आपके पास जो आएगी जो कर्व आ रहा है ये है आपका लेस देन ओजाई। नेक्स्ट इज मोर देन ओजाई, तो मोर देन ओजाई में भी सेम आप ऐसे ही बॉक्स को बॉक्स बना सकते हो, 100 को आगे 40 से आप यहाँ पर इससे ऐसे ऐसे कवर कर सकते हो। ओके, तो आप लोग हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही 5 के ऊपर हमारे पास टोटल पहले क्या आएगा 100, तो हमारे पास 5 सॉरी पहले था मोर देन 0, तो 0 पे क्या आएगा हमारे पास, 0 पे हम लोग लेंगे 100, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, फिर हमारे पास 5 पर 96, देन हमारे पास 10 पर 90, तो इस तरीके से हमने ले लिए यहाँ पर, और 40 पे हमारा क्या आया था 0। ओके, तो हम इनको मिला लेंगे आपस में, जब मिलाएंगे तो हमारे पास जो कर्व आएगा दैट इज आवर मोर देन ओजाई। ओके स्टूडेंट, सो अब हम जो है इनको इकट्ठा भी बना सकते हैं, स्टूडेंट जो है यहाँ पर हम पहले हेडिंग लिखेंगे और देन इनको इकट्ठा, लेस देन एंड मोर देन ओजाई, ये आप कर चुके हैं, हम लोगों ने मीडियन में किया था ना कि जब हमारे ओजाइव आपस में मोर देन एंड लेस देन ओजाइव जिस पॉइंट पर कट करते हैं वहां से अगर हम परपेंडिकुलर एक नीचे डालें तो जहां पर आता है वो हमारा मीडियन होता है, कर चुके हैं ना, तो ऐसे मतलब यहाँ पर तो सिंपल आपने मीडियन नहीं निकालना है, यहाँ जस्ट आपको बताया गया है कि ओजाइव कैसे बनते हैं, आप सिंगल लेस देन ओजाइव भी बना सकते हैं, मोर देन भी, और दोनों कंबाइन करके भी बना सकते हैं। ओके, एग्जाम में आपको जैसे भी गिवन हो, आपको खाली लेस देन ओजाइव गिवन है तो आप लेस देन बनाए, मोर देन गिवन है तो मोर देन बनाए, और अगर आपको दोनों मेंशन है तो आप एक ही ग्राफ के अंदर दोनों ओजाइव जो है वो बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो टूडे दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, so that's all for today, have a good day.